हेलो स्टूडेंट्स, तो आज किस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ मैथ HBSE 2019 का सेट बी। तो सेट बी के सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने कवर कर लिए थे, तो सेक्शन सी पे मूव करते हैं, विच इज फोर मार्क्स क्वेश्चंस। तो फोर मार्क्स क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ इज राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है। तो देखो, वन माइनस कोस थीटा, इसकी एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, टू साइन स्क्वेयर थीटा यानी कि एक्स, तो एक्स बाय टू, और वन प्लस कोस थीटा यानी कि कोस एक्स, ये होता है टू कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू। अगर हम वैल्यू पुट करें तो टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट टू साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू डिवाइड बाय टू कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू, टू से टू कैंसल, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर, तो ये क्या होगा, टेन स्क्वेयर एक्स बाय टू, और टेन स्क्वेयर एक्स बाय टू और रूट यानी कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाय टू। क्यों, क्योंकि स्क्वेयर से क्या होगा, रूट कैंसल, तो tangent inverse tangent x by 2, tangent inverse से tangent cancel, तो simplest form क्या आ गया हमारे पास, x by 2, तो इसका solution आ गया हमारे पास x by 2। उसके बाद next question number 13th is find the value of k so that the given function fx kx plus 1 and cos x if x is less than equals to pi and if x is greater than pi is continuous at x is equals to pi, x equals to pi पे ये function क्या है, continuous, then we have to find the value of k। तो हमें क्या है, k की value find करनी है। देखो, इस तरह के questions को कैसे solve करते हैं, जब continuous given हो तो left hand limit, right hand limit और फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होंगे, इक्वल। ये कॉन्टिन्यूटी का क्या है, नियम। तो सबसे पहले एफ एक्स, तो एफ पाई यानी कि अगर फंक्शन में पाई रखे तो पाई के इक्वल क्या है, ये यानी कि एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू के पाई, के पाई प्लस वन, एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास ये। अब क्या करते हैं, ग्रेटर के लिए रखते हैं यानी कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, और पाई पॉजिटिव यानी कि एक्स क्या है, पाई से ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए क्या होगी, कोस एक्स, और कोस एक्स किस जगह पे क्या हो जाएगा, कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है माइनस वन। और जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल होगी, तो यहां से हम कह सकते हैं कि k पाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो k पाई इज इक्वल टू माइनस टू एंड k इज इक्वल टू माइनस टू बाय फाइव। तो फोर k इज इक्वल टू माइनस टू बाय फाइव द गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई इज कॉन्टिन्यूस, तो वो क्या आ गया हमारे पास, k की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th इज find the interval in which the given function fx is equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing. We have to find the interval for given function such that the given function is strictly increasing. तो फंक्शन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल के लिए होगा, उस इंटरवल के लिए जहां पे एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर हो जीरो से, तो वहां पे फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा इसके लिए फाइंड करना, अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स करेंगे, तो यानी कि टू थ्री जा सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस 36,
उसके बाद एफ डैश एक्स को ये स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड में एफ डैश एक्स को इक्वल रखेंगे जीरो के, और वहां से आएगा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो यहां से अगर हम सिक्स कॉमन ले तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, तो यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, देखो एक्स कॉमन तो एक्स माइनस थ्री, यहां से प्लस टू कॉमन तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे पास, यहां से एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू, तो इनको जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास या तो क्या होगा थ्री या फिर माइनस टू। तो थ्री और माइनस टू क्या आ गए हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट। अब इन क्रिटिकल पॉइंट से हमें क्या मिलेंगे, इंटरवल। तो देखो लेट्स से दिस इज द लाइन, तो यहां से ये मान लीजिए थ्री, ये माइनस टू और ये इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास देखो इंटरवल क्या आ गए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू से थ्री, थ्री से इन्फिनिटी, तो ये तीन इंटरवल आ गए। अब देखते हैं कि किसके लिए फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां पे हमें चेक करनी है एफ डैश एक्स का साइन, यदि वो पॉजिटिव आ गया तो यानी कि फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, अगर जीरो आ जाए तो क्या होगा इंक्रीजिंग। तो देखो अगर माइनस टू से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखे तो यानी कि माइनस थ्री रखे इस फंक्शन में एफ डैश एक्स ये रहा, तो यहां पे देखो अगर आप क्या रखोगे माइनस, यहां पे रख सकते हो फाइनल वैल्यू तो ये थी हमारी। तो देखो अगर आप क्या रखो माइनस थ्री, तो माइनस थ्री रखेंगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो इस फंक्शन, इस इंटरवल के लिए माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू फंक्शन क्या है पॉजिटिव। उसके बाद माइनस टू से राइट में यानी कि अगर जीरो रखे तो जीरो आ गया, नहीं जीरो रखेंगे तो देखो क्या आएगा, यहां पे नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। और थ्री से पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, यहां पे रख के देख लो, या फोर रखते हैं तो फोर माइनस थ्री वन और फोर प्लस टू यानी कि टोटल क्या आया पॉजिटिव, तो यहां पे भी क्या आया पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि फोर ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन ओपन इंटरवल थ्री टू इंफिनिटी गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस इंटरवल के लिए यानी कि इन दोनों इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर यहां पे आप क्लोज इंटरवल लो, ये होता है क्लोज इंटरवल, अगर ये लोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो भी आ जाएगी। तो इसलिए आप इन ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना, ये ओपन इंटरवल होता है और ये क्लोज इंटरवल। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th पे। क्वेश्चन नंबर 15th इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन थ्री थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, यानी कि वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ डबलेट्स इन थ्री थ्रोज ऑफ अ डाइस। तो डबलेट क्या होगा, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव और सिक्स सिक्स, ये हो जाएंगे डबलेट। और हमने थ्री पेयर टॉस किया, थ्री पेयर्स यानी कि एक पेयर में कितने होंगे टू डाइस, तो थ्री पेयर में सिक्स डाइस, यानी कि टू एक साथ, टू एक साथ, टू एक साथ। तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहले टेबल बना लेते हैं। तो हमें नंबर ऑफ डबलेट्स फाइंड करने हैं थ्री थ्रोज में, तो यहां पे देखो पहले लिखते हैं x, x क्या है नंबर, कितने नंबर आए, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबलेट्स। तो या तो देखो जीरो डबलेट आ सकता है या एक डबलेट या दो, और तीन पेयर टॉस किया है, थ्रो किया है तो मैक्सिमम थ्री,
ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी एक्स की, जीरो के लिए, वन टू और थ्री के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमारी ये टेबल क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी डबलेट के लिए एक पेयर में। देखो टोटल डबलेट कितने हैं, सिक्स, और एक पेयर यानी कि सिक्स की पावर टू, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं दो डाइस होंगे, तो सिक्स की पावर टू यानी कि 36। ये तो आगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी डबलेट आने की, लेट से एक्स, तो एक्स की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6, और प्रोबेबिलिटी ना आने की यानी कि डबलेट ना आए उसके लिए वन में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5/6, ये आ गया। अब देखो, देखते हैं पहले जीरो के लिए, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको देखो बर्नौली ट्रायल से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, उससे कैसे करेंगे, आउटकम कितने हैं 3, सी 0, सक्सेस यानी कि 1/6 इसकी पावर 0, और 5/6 की पावर कितनी होगी, 3 में से 0 गया 3, तो 3 सी 0 तो जाएगा 1, और ये 0, सॉरी 0 किसी की पावर 0 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 की क्यूब अपॉन 6 की क्यूब, यानी कि 5 की क्यूब क्या होगी 1 2 5, 6 की क्यूब 2 1 6। और अगर आप वैसे करते सिंपल तरीके से, तो देखो 4x इज इक्वल टू 0, अब पहला आपने उछाला डाइस तो उसमें क्या आया, जो डबलेट वो नहीं आया, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अगेन सेकंड टाइम टॉस किया, सेकंड टाइम भी नहीं आया, तो अगेन 5/6 और अगेन 5/6, तो या तो ऐसे करो या ऐसे, तो सिंपली हमारे पास वैल्यू क्या आती 1/5/216। उसके बाद नेक्स्ट 4x इज इक्वल टू 1, तो यानी कि px इज इक्वल टू 1, तो 3c1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 3 में से 1 गया 2, तो 3c1 की वैल्यू क्या होगी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और 1/6 देखो 6 की पावर 2 और 1 3, तो 6 की पावर 3, और यहां पे 5 का स्क्वायर 25, और 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसल, तो 3, तो 25 × 3 = 75 / 216। अगर आप सिंपली वैसे सोल्व करते तो वैसे कैसे होता, देखो 1/6 मान लीजिए आपने पहली बार टॉस किया तो उसमें क्या आ गया आपके पास डबलेट आ गया, अब सेकंड और थर्ड टाइम क्या होगा डबलेट नहीं आएगा, उसके बाद सेकंड यानी कि फर्स्ट टाइम तो आपके पास डबलेट नहीं आया, सेकंड टाइम आ गया और थर्ड टाइम भी नहीं आया, इसी तरह से 1/6 लास्ट में चला जाएगा, तो 5/6 5/6 और 1/6, तो इसको सिंपली ऐड करोगे तो यही वैल्यू आएगी, तो आप बर्नौली ट्रायल से इजीली सोल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 4x इज इक्वल टू 2, तो 2 के लिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो यानी कि 3c2 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 3 में से 2 गया 1, तो 3c2 अगेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन 3 हो जाएगा ये, और यहां पे 6 की पावर तो है 3 और 5, तो यानी कि 5 × 3 = 15 / 216, और 3 के लिए क्या होगा, तो 3 के लिए देख लेते हैं, तो देखो 3c3 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 0, क्यों, 3 में से 3 गया 0, तो यहां पे क्या जाएगा इसके लिए क्या होगा 1 और ये 1, तो यहां पे 1/216। अब अगर आपको चेक करना है कि हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल राइट है या रॉन्ग, तो जो सभी वैल्यू है उनका सम क्या होगा 1, तो आप ऐड कर सकते हो 75 15, देखो 1 2 5 और 75 200 और 15 और 116, तो 216/216 यानी कि वैल्यू क्या आई 1, तो यानी कि जो हमने टेबल बनाई है वो क्या है राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज
फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस के कैप. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. और अगर आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो इसका हाफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया. तो फाइंड करते हैं पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप. इसके कोफिशियंट आई के 3 j 1 और के 4. यहां पे 1 - 1 1. अब अगर इसको एक्सपेंड करें अलोंग आर वन रो फर्स्ट के लोंग, तो देखो आई कैप एज इट इज फर्स्ट कॉलम फर्स्ट और डिलीट 1 - - +4 माइनस जे कैप ब्रैकेट सेकंड रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट तो 3 - 4 प्लस के कैप ब्रैकेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट 3 1 जा 3 यानी कि -3 और -1. तो 4 और 1 5 तो 5i कैप माइनस देखो 3 में से 4 गया -1 और -+ तो प्लस जे कैप प्लस देखो यहां पे क्या आएगा -3 और -1 -4 तो -4k कैप. लेट्स से दिस इज सी वेक्टर. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 1 का स्क्वायर 1 और -4 का स्क्वायर 16. तो 25 + 1 = 26 + 16 तो ये क्या हो गया √42. तो ये क्या आ गया हमारे पास एरिया आ गया किसका, पैरेललोग्राम का, जहां पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर गिवन. तो √42 आ गया हमारे पास, स्क्वायर यूनिट क्या आ गया इसका, एरिया. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसी सेट बी का सेक्शन डी.